बड़ा पत्थर ही है सब। मैं आपको दिखाता हूँ से ऊपर तक, दाए बाए चारों तरफ पत्थर है। बहुत क्या नज़ारा है दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखना दोस्तों, आपको बहुत बहुत खुशी मिलेगी। क्योंकि पहाड़ों वाली मैया है ना, उसका दर्शन करना एक हमारे सौभाग्य की बात होती है। चलो चलते हैं आगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और हमारे गुजराती लोगों को शुभ सवार, और हमारे फ्रेंड को गुड मॉर्निंग। दोस्तों आप लोग ठीक होंगे, आप खुश होंगे। दोस्तों आज का सुबह का दिन, सुबह हो रही है, सूरज बड़ी तरह से निकल चुका है, और आज हम जा रहे हैं अपने गांव में पहाड़ों वाली मैया के पास, जहाँ जंगल है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है और बड़े बड़े जंगल है। उसमें आपको आज वो जंगल के सैर करवाने के लिए और माता दी का दर्शन करवाने के लिए हम जा रहे हैं। तो आप चलिए हमारे साथ, आज का ब्लॉग यहीं से हम शुरू स्टार्ट करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलो चलते हैं हम पहाड़ों वाली मैया के पास, जो पहाड़ों के बीच मंदिर है माता जी का। तो चलो चलते हैं हम पहाड़ों वाली मियाँ के पास। ओ कोई लोग उसको उसको पुत्रदायिनी भी बोलते हैं, कोई पहाड़ों वाली मियाँ बोलते हैं, और कोई भिलेश्वरी मियाँ भी बोलते हैं। तो चलो चलते हैं हम मियाँ के पास, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। वहाँ का नज़ारा आपको दिल खुश करने वाला नज़ारा होगा। तो चलो चलते हैं, आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े पहाड़ है, और पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पहाड़ों वाली मियाँ विराजती है, और हजारों लोग वहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो चलो चलते हैं मियाँ के पास। हाय दोस्तों, हमारे साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, ये हमारी बाइक, माता जी का दर्शन करने के लिए हम जाते थे तो बीच में हमारी बाइक ख़राब हो चुकी है। अब देख सकते हो स्टार्ट नहीं हो रही है, कुछ भी करने के बाद भी ये स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने बहुत देखा लेकिन उसका इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। यार क्या करें, देख रहे हो हम जा रहे थे माता जी को दर्शन के लिए, और ये हमारी फोन पकड़ने वाली चीज है, और ये गाड़ी स्टार्ट नहीं। वो मैया का मंदिर पहाड़ों में बहुत अभी दूर है, इस रास्ते से जाना था हमें, लेकिन अब पैदल चल के शायद जाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं, मैया की मर्जी, तो आप भी हमारे साथ चलिए। मैं आपको दिखाता रहूँगा कि रास्ता जंगल के बीच से किस तरह से जाता है। तो चलो चलते हैं मैया के पास। अब देखिए दोस्तों, बहुत दूर है मियाँ पहाड़ों वाली का मंदिर, और ये छोटी केड़ी से हमें जाना पड़ेगा क्योंकि जो रास्ता है उसका, लेकिन मेरी बाइक अभी ख़राब हो चुकी है तो हमें पैदल जाना पड़ेगा, और रास्ता बहुत कठिन लग रहा है, और हमें चलने में भी बहुत दिक्कत आ सकती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज हमने तय कर लिया है कि हम आपको पहाड़ों वाली मैया का दर्शन करा के रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, कहाँ भी जाना पड़े, किस तरह से भी जाना पड़े, हम मैया का दर्शन आपको करवा के रहेंगे। कोई भी दिक्कत आए सामना कर लेंगे, लेकिन मैया का दर्शन आपको हम करा के ही मानेंगे। आज बहुत बड़ा पहाड़ है,
सड़ने में तो एक दो घंटे लग जाएंगे हमें, लेकिन आपके लिए वो भी कर लेंगे, क्योंकि मैया है वो थोड़ा कष्ट देते हैं लेकिन काम करती है। वो आशीर्वाद तो ज़रूर मिलता है, लेकिन मैया का आशीर्वाद लेना इतना आसान नहीं है। आप देख सकते हैं इधर से मैया का मंदिर, वहाँ भी कुछ काम चल रहा है ऐसा लगता है। और दोस्तों एक बात बताऊँ, मैं रात को इस मैया के मंदिर पे कोई नहीं रह सकता, शाम को जल्दी से निकल जाना होता है और सुबह पे जल्दी आना होता है, और रात पहाड़ पर कोई नहीं रह सकता, आज तक थक चुके हैं, लेकिन जाना तो तय है। देखे दोस्तों अब जंगल शुरू हो चुका है, हमारे पीछे जंगल है, जंगल है, ऊपर पहाड़ है, पहाड़ों वाली मैया वहाँ विराजमान है। तो चलो आगे का रास्ता तय करते हैं, चलते हैं आगे रास्ते पे। देखिए दोस्तों इधर से अंदर से जाना पड़ेगा हमें, इधर से छोटी छोटी केड़ियों पे हम जाते हैं, और बहुत दिक्कत वाली बात, लेकिन आज जाना ही जाना है। वो हम बोलते हैं ना कि पहाड़ों से टकराए, पहाड़ों से टकराए उसे तूफान बोलते हैं, और तूफानों से जो टकराते हैं उसे युवान बोलते हैं। तो आज हमें तूफानों से टकराना है, थोड़ा महंगा लग रहा है तूफानों से टकराना। देखिए दोस्तों ये पूरा जंगल ही जंगल है, आप यहाँ का नज़ारा ही कुछ और है। चलो मैं आगे का कैमरा करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये पूरा जंगल ही जंगल है, पहाड़ बहुत बड़ा है, जाने में बहुत दिक्कत है। आपको शायद दिख रहा होगा ऊपर मियाँ का मंदिर, क्यों अभी तो ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ऊपर बादल छाए हुए हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा। और हम भी थोड़ा थक चुके हैं, श्वास ज़्यादा लेना पड़ता है, इसे बोलने में दिक्कत होती है, इसलिए हम आपको अभी ऊपर लेके जाते हैं। और दोस्तों ऊपर लेने जाने के बाद वहाँ का माता जी का दर्शन करवाएंगे, ठीक है। तो चलो हम पैदल चल के जाते हैं, और अभी बाद में बात करते हैं, क्योंकि पहाड़ चढ़ते चढ़ते तो हम बात नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों जैसा जंगल है ये, वैसे ही इंसान को डर लगने लगता है, लेकिन आज हमने तो तय किया है कि जाएंगे तो माता के शरण में, बिना रुके बिना थके जाना ही जाना है हमें। तो थोड़ा नीचे झुक के जाना पड़ेगा। दोस्तों अभी गाढ़ जंगल स्टार्ट हो चुका है, अभी तो रास्ता बहुत मुश्किल है। देखिए ये कोई पेड़ है जिसका नाम हमें नहीं आता है, और जब हम पहले इधर आते थे ना 2-3 साल 5 साल पहले, तो लोग बोलते थे कि गूगल आता है ना धूप का, उसके पेड़ है, लेकिन हमें नहीं पता है किसके पेड़ है। और अभी बोलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि पहाड़ चढ़ना बहुत मुश्किल था। आप देख सकते हैं इधर का नज़ारा, मैं 2 दिन इधर रुकने वाला हूँ, और आपको हर पहाड़ हर जगह की सैर करवाने वाला हूँ। आप यहाँ से देख सकते हो कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो तो वाह क्या नज़ारा है दोस्तों।
आप पूरा वीडियो देखना दोस्तों, आपको बहुत बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि पहाड़ों वाली मैया है ना, उसका दर्शन करना एक हमारे सौभाग्य की बात होती है। चलो चलते हैं आगे दोस्तों। मालूम नहीं कहाँ से जाइए, कहाँ होगा रास्ता, रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन जाना तो तय है। मैंने पहले बोला जैसे तूफानों से टकराए, उसे युवान कहते हैं, तूफानों से टकराए उसे पहाड़ कहते हैं, और पहाड़ों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। इस तरह का माहौल हमारे साथ हो चुका है, और हम जा रहे हैं इस जंगल के बीच से। तो मैया का दर्शन आज करना ही करना है हमें, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों पहाड़ चढ़ते चढ़ते 2 घंटा हो चुका है, और प्यास भी बहुत लगी है, क्योंकि हमने पानी साथ में नहीं लिया था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हमारी बाइक खराब हो जाएगी। आप आधे पहाड़ से देख सकते हो आसपास के गांव का नज़ारा, बहुत कुछ नज़ारा है दोस्तों। देखो आपको छोटे छोटे मकान दिखाई पड़ते होंगे शायद, लो मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरे गांव आसपास के गांव को कवर कर लेता है। तो चलो दोस्तों, हम 5-10 मिनट बैठे तो थोड़ी थकान कम हो चुकी है, तो हम आगे का रास्ता तय करते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अच्छा, इस माता का बुलावा होगा, पहाड़ों वाली मियाँ का। तो चलो आगे का रास्ता। आखिरकार दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मियाँ के पास। आप उसका मंदिर देख सकते हो जो भी बन रहा है, और थोड़ा कैमरा भी हिल रहा है, एक हाथ से पकड़ा हुआ है, क्योंकि पूरा शरीर थक चुका है और हम पूरा पसीने पसीने हो चुके हैं, इसलिए कैमरा हिल रहा है, यानी मेरा फोन हिल रहा है, और पूरा पसीना हो चुका हूँ। और अब हम यहाँ का नज़ारा देखते हैं और करते हैं कि माता का दर्शन। देखिए दोस्तों यहाँ का नज़ारा। इधर नहीं गुजार सकता, उसको शाम ढलने तक तो वापस जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए। और आप इस नज़ारे की खुशियों का लुत्फ़ उठा सकते हो, मज़ा ले सकते हो। और अब हम चलते हैं माता जी के दर्शन के पास, मंदिर के पास। साहब मियाँ का मंदिर का काम चल रहा है, पहले छोटा मंदिर था, अब बड़ा मंदिर बन रहा है। तो चलते हैं माता जी के मंदिर के पास। तो चलो दोस्तों चलते हैं माता जी के दर्शन के पास,
आपको यहाँ की कहानी सुनाता हूँ कि माता जी का इधर स्थान कैसे बना और माता जी का मंदिर किस तरह से बना और यहाँ की क्या कहानी है, वो सब कुछ मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये बहुत बड़े बड़े पत्थर भी इधर माता जी के स्थान पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो मेरे पीछे, सरस्वती है मैया के पास। देखिए दोस्तों, ये मैया का पत्थर है जो आज तक कोई उसको नहीं हिला पाया, बहुत बड़ा पत्थर है और मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। देख सकते हो आप अंदर से कितना बड़ा पत्थर आपको दिखाई देगा, शायद ये पत्थर है, वो इतना बड़ा पत्थर है कि आपकी सोच में भी नहीं आया होगा कभी कि इतना बड़ा पत्थर हो सकता है। और अभी काम चल रहा है मंदिर का, तो चलो करते हैं माता जी का दर्शन। देखिए अभी काम चल रहा है, देखिए दोस्तों आप कर सकते हैं माता जी का दर्शन। अभी मंदिर का काम चल रहा है तो थोड़ी दिक्कत होगी। जय माँ बिलेश्वरी, जय माँ पहाड़ों वाली। दोस्तों इसे पहाड़ों वाली मैया भी बोलते हैं और हमारे गांव के लोग इसे बिलेश्वरी मैया भी बोलते हैं। और बोला जाता है कि पहले कभी कुछ सालों से पहले इधर समुंदर आता था और समुंदर में जाने वाले लोग माता जी को मन्नत लेके, माता जी की मन्नत लेके जाते थे और वापस माता जी को मिलने आते थे, ऐसी कहावत है। तो चलो आपको आगे का नज़ारा दिखाता हूँ, आप माता जी का दर्शन कर लीजिए और मैं भी कर लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि माता जी के मूर्ति के पीछे जो पत्थर है वो बहुत बड़ा पत्थर है, वो पूरा पत्थर है। कितना बड़ा पत्थर है वो आप मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि वो चारों तरफ मंदिर बनी हुई है, लेकिन माता जी के पीछे जो आप देख रहे हो ना, बड़ा पत्थर ही है सब। मैं आपको दिखाता हूँ नीचे से ऊपर तक, दाएं बाएं चारों तरफ पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ी शिला है, आप देख सकते हो ये बहुत बड़ी शिला है। शायद आपकी लाइफ में आपने इतनी बड़ी शिला कभी देखी नहीं होगी, इतनी बड़ी शिला है ये। दोस्तों मैया का दर्शन हमने कर लिया, अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। बज चुका है अभी 3:30 और थोड़ी भूख भी लगी है और प्यास भी लगी है। प्यास तो हमें पानी तो मैया ने पिला दिया, लेकिन पहाड़ों पर खाना तो कहाँ से मिलेगा, इसलिए हम चलते हैं नीचे की ओर और आपको जाते जाते दिखा देता हूँ कि क्या बहुत साल पहले इधर समुंदर हो सकता है। तो लग रहा है कि इधर समुंदर हो सकता है, चलो आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये बड़ी बड़ी शिला चारों तरफ बिखरी हुई है, इतनी बड़ी शिला है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी शिलाएं हो सकती है। देखिए और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ दिखते हैं और ऐसा ही लग रहा है कि पहले इधर समुंदर आता था। तो चलो दोस्तों आपने मैया का दर्शन कर लिया, हमने भी कर लिया। चलो भाई दोस्तों अपना व्लॉग यहाँ ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग पे। जो जय मैया पहाड़ों वाली, जय माँ भिलेश्वरी। देखिए दोस्तों रास्ता आज तक बना हुआ है, लेकिन हम जंगल के रास्ते से आए थे और अभी पैदल जाना है, तो हम जा रहे हैं ये ब्लॉक वाले रास्ते से और यहाँ से आप माँ का पूरी तरह से दर्शन कर सकते हैं और माँ का मंदिर भी देख सकते हैं। जय मैया बिलेश्वरी पहाड़ों वाली।